सहरसा जिला के हिलसा प्रखंड के जुनियार ग्राम में लगभग 3000 आबादी वाले गांव हैं। यहां 3 से 6 बरस के बच्चों की संख्या लगभग 450 की है। यहां जनसंख्या के हिसाब से कम 3 आंगनवाड़ी केंद्र होने चाहिए, जो यहां एक है। इस गांव में कितना बच्चा की जनसंख्या है? इस गांव में तो बहुत बच्चा है, 200-300। यहाँ कितने आंगनवाड़ी केंद्र है? एक। तो बच्चा वहाँ आंगनवाड़ी केंद्र में आपका जाता है? जाते हैं, नाम भी लिखने के लिए बोलते हैं तो कहीं सीटें नहीं खाली है, 40 बच्चों को ज्यादा नहीं लिखाएंगे। आपका बच्चा वहाँ मतलब कि जा पाते हैं तो जो पोषाहार वगैरह खाने का जो उनको मिलता है या नहीं मिलता? नहीं, वो सब कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बच्चों ज्यादा हैं तो नाम लिखवे नहीं करते हैं, नामा लिखे वाला बच्चों के मिलवो कर होते हैं, बिना नामा वाला के ना मिला है। इस गांव के बहुत सारे बच्चे जो इससे काफी प्रभावित है, जो यहां आंगनवाड़ी केंद्र आने से वंचित है। ज्यादा बच्चे जो आ जाते हैं उस स्थिति में आप क्या ग्रामीण से क्या झेलना पड़ता है आपको? यही कहते हैं कि हमको यहां आंगनवाड़ी केंद्र पर 40 बच्चा के एडमिशन करवाना है, और बाकी तो नहीं हम कर सकते। मैडम, इस समस्या के समाधान के लिए क्या करना चाहते हैं आप? और आंगनवाड़ी खुल जाए तो ठीक है, क्योंकि यहाँ की आबादी ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर तो 3 को होना चाहिए लेकिन 1 जो है। बच्चों का आंगनवाड़ी केंद्र में नाम नहीं है तो उससे बच्चों का क्या नुकसान होता है? स्कूल पूर्व शिक्षा है तो वो आएगा तो कुछ न कुछ भी सीखेगा, और उसके बाद भी खेल कूद है, उस समय वो बच्चों का बौद्धिक विकास होता है। तो तू कोची चाहो यहाँ आंगनवाड़ी चाहिए, यहाँ जा ही लिखावे तो काथिन की इतना के चल से सीटवे हको, तबे सब इतना दुनिया भर के लड़का नहीं तो उन्हें से कहा हमार लिखा, उन्हें से हमार लिखा तो कितना के लिखियो, हम घरवा से देवो हम अथी करवा, चल से गो के हमारा पढ़ाई के, बाकी में तो 40 गो के नाम रह रहा है जे पढ़ाई, बाकी ने बेगर नामे वाला जा है पढ़े लगी। अच्छे बच्चे मंजन करते, अच्छे बच्चे मंजन करते। मैं चाहता हूँ कि यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र की सुविधा हो। CDPO सुषमा सिन्हा, जिसका मोबाइल नंबर 9131005088 पर संपर्क कर और इन पर दबाव बनाए। मैं मोहम्मद मिस्टर आलम, नालंदा जिला के हिलसा प्रखंड के जुनियार ग्राम से इंडियन हट के लिए।